साल 200 साल से भी पुराना, 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। और वो बाज का पेड़ आज तक भी वैसा ही है, इधर मूर्ति के नीचे है। ये कुछ हो रहा है, रूह अफजा नहीं हैगा, रूह अफजा नहीं है, ब्रांस दा जूस है ब्रांस ने। ओ बस एक बार लोड की दी है, कितने बारी हो गया है। ਰਿਸ਼ਦੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਉਹ ਘਰ ਦੇਖਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਮੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਦੀ ਢਲਾਣ 72 ਪੌੜੀਆਂ, ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੱਤਰੋ ਬੱਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਮਾ ਵੀ ਬੱਤਰੋ ਬੱਤਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਜੀ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨੀ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਆਏ ਆ। ਚੱਲ ਬਈ ਵੇਖਿਆ ਕਿਧਰੋਂ ਜਾਣਾ ਜੈ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਲ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇਵ ਵਾਲਾ ਕਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਮੰਦਿਰ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਕੀ ਜੋ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਤਪੰਨ ਦੇਵਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, और वो बाज का पेड़ आज तक भी वैसा ही है, इधर मूर्ति के नीचे है। मूर्ति के नीचे है, यहाँ पेड़ बहुत ये देख सकते हैं। ये नहीं देख, वो नहीं दिखेगा नहीं आपको ना, वो नीचे है, नीचे। अच्छा, नीचे ऊपर, उस पर मंदिर बना दिया है, उसके ऊपर मंदिर बना दिया ना। ठीक है, बालक के रूप में है। ठीक है, शिव जी के रूप में है, शिव जी के रूप में। जब भी ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते थे ना, ठीक है, इनके साथ खेलते थे, और बुजुर्गों ने देखा कि किसी बुजुर्ग ने देखा कि ये जो है कोई देवता है, देवता है। हाँ, इन्होंने किया सा खेल, जैसे जो मतलब बकरी जैसे मतलब टुकी देते ना, मतलब बकरी जैसे मंडियाली बोल रहा हूँ, भाषा बोल रहा, कोई बात नहीं, कोई पंजाबी में नहीं बोल रहा हूँ आपको, मैं ऐसा बता रहा हूँ जो मंडियाली भाषा है। मैं जी ऐसे टुकी देते फिर जोड़ दिए सौगी, बस जोड़ना था गर्दन को जोड़ देते हैं साथ। हाँ जी, हाँ जी। तो और तब बुजुर्ग ने देखा भी ये कैसे एक्ट में हमारे यहाँ, और लोगों ने देखा भी, फिर पब्लिक में सारी फैल गई जगह, फिर ऐसे बात हुई ऐसे हमारे देव के ऐसे ऐसे ऐसा हो रहा है। फिर लोगों ने बताया कि वहाँ ऐसा जैसे पूजन मुझे हुआ, फिर आगे हुआ ना, ये जो है ना हमारा देवता, ऊपर कमरू नाग जी है ना, इसका छोटा बेटा है, उनका छोटा ही छोटा लड़का है, और ये 18 वेदी का भंडारी, और 18 वेदी का भंडारी मतलब बीमारी का, जो जैसे बीमारी होती है चढ़ रोग, जो उसका चमड़ी रोग जो भी है रोग, 18 वेदी का भंडारी बोलते हैं, वेदी बोलते हैं, जैसे आपकी बीमारियों को जो आपसे आपको जन्म करते हैं, जैसे हम वेदी मनाते हैं, ये मंडियाली भाषा आपको पंजाब में पता है, वेदी कैसे मनाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये कब कब मंदिर बना का? ये है बड़ भारी पुराना, बहुत पुराना है, और कुछ नहीं है, हिस्ट्री है इसमें, मतलब और इस बार की बार लिखा हुआ है ना। हाँ, वो ने मैं कैप्चर कर लिया, 100 साल की भी चले, 103 साल की भी दादी एक्सपायर हुई। हाँ जी, हाँ जी, उससे पहले भी पुराने आदमी रह चुके हैं। ओके ओके, और ये सबसे बड़ा पुराना देवता जो बोल रहा हूँ, कमरू नाग जो हमारे है वो बड़े देवता है, उसका छोटा बेटा है, ठीक है, और ये है सात भाई, सात भाई। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये तो अभी जो लकड़ वगैरह का, ये तो अभी हुआ, ये तो कुछ सालों में हुआ, कुछ सालों में, पर जो ये डिजाइन, ये डिजाइन, ये सुंदरता बहुत अच्छी है। ये हर एक मंदिर में मिलेगा आपको, अगर हिमाचल में आएंगे तो हर एक जगह ऐसे लकड़ी का मिलेगा। नहीं, मैंने पहली बार देखा है ये, एक्चुअली जो हमारा जो पुराना मंदिर था। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और ये जो
ठीक है ठीक है। और दरवाजा अपने आप खुलता था। ओके 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 ओके। नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर। हाँ मंदिर बहुत सुंदर लगा, सफाई और शांति बहुत ज्यादा है। हवन कुंड जी इत्थे हवन होंदा गा जदों भी कोई ना कोई जग करवाउंदा जां कुछ भी आ, ते बहुत सोहना मंदिर बनाया वा। इसके बारे में बताओ जो लोग ऐसे जो रिबन वगैरह बांधते हैं। मन्नत मांगता है जिसकी पूरी होती है वो यहाँ चढ़ाता है। ठीक है ठीक है। नीला कपड़ा जो कोई भी का अपने जो भी जिनकी श्रद्धा होती है वो यहाँ पे चढ़ाता। ठीक है ठीक है। अच्छा जी ये एक इधर फंक्शन होते हैं जैसे यहाँ पर शादी शुदी होती है ब्याह पत्र और यहाँ पर भंडारा होता है। ठीक है। यहाँ पे नीचे भोजनालय लिखा है आपने। ठीक है ठीक है। ये नीचे भोजन वगैरह होता है। इधर इधर तो ऐसे जो बाहरी कास्ट के होते हैं उनकी शादी होती है। ओके ओके ओके। और यहाँ पर नीचे ठीक है ठीक है। मोक्ष दे पिंड पहुंच चुके हैं। मोक्ष दे घरे पिंड वाले घरे जा रहे हैं। ये बड़ा खतरनाक रास्ता है। सामने मोक्ष का पिंड वाला घर तुसी की गिनी जाने की गिनी जाने ये घट्टो घट 100 फिलहाल तो भी उत्ते होगा। 200 तो फिलहाल सारा घर देख लिया। तो हुण मैं वेखदा पियांगा। तो काफ़ी कमरे लग रहे हैं ये अंदर एंटर होंगे सारी ये पूजा करते है ये तुलसी माता की जोत वगैरह लगाते है। इधर मंदिर आई लाइट है अंदर कहतेरा गा मंदिर जद्दी गोष्ठी इन्हों का उ 200-300 साल पुराना घर है। यहाँ पे कितने कमरे हैं टोटल? 28 हैं। ठीक है ये भी कमरे हैं ना? सारे कमरे हैं। ठीक है इधर सारे कमरे हैं। अच्छा इन्हें सारे लॉक लगा 28 कमरे है जी इत्थे। ये भी नीचे कमरे है। तो हम कहते इन्होंने रिपेयर करवानी है काफ़ी पुराना गा घर। तो तुम मैं थोड़ी जी हिस्टरी दसो जी घर बारे मैं तो 20 साल हो गए। नहीं कुछ तो थोड़ी सास ने तो उन्होंने सास ने कोई ना कोई दसा तो होगा जी। 250 साल पुराना 250 से भी ज्यादा साल पुराना। ठीक है जी। है ना ये जो घर है इसमें सारी ज्वाइंट फैमिली है। ठीक है जी। बट अभी सब काम करने के लिए अपने अपने अलग अलग शहर में जा चुकी हैं। लेकिन जब हमारे घर में कुछ फंक्शन होता है तो हम सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो वैसे ही पूरे रीति रिवाज से जो हिमाचल कल्चर है उस हिसाब से यहाँ पे सब स्पेंड करते हैं टाइम। ठीक है। और जैसे कि आपने देखा ये हमारे कुल देवता का मूल स्थान है। साल 200 साल से भी पुराना है। 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। 28 कमरे हैं। क्योंकि मेरी दादी सास अभी 103 साल के एक्सपायर हुए हैं परदादी का घर है। तो ये हमारे ताई जी हैं। ठीक है। इसी घर में रहते हैं। अच्छा जी। इस घर में थोड़ी बहुत देखभाल जो यही करते हैं। अच्छा। है ना? हाँ। साल में एक दिन ऐसा कि हमारे देवता का जन्मदिन मनाया जाता है खूब धूमधाम से। ठीक है। तो उस दिन सारे मतलब लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। आपके जो नजदीक के पिंड के या कभी दूर दूर से जो देव के पुजारी हैं अपने जो इनके क्या बोलते हैं ताई जी नहीं नहीं क्या बोलते हैं गुर जो है गुर रखे रखे ले। अच्छा जदों का घर बनया ये उदों का ही आ इहदे विच चोल रखदे चावल वगैरह जिवें अपने कणक दा ड्रम हुंदा ढोली है इक तरह दी ये भी 200-250 साल पुराना अच्छा
ਚੱਲਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੀ ਆ ਵੀਰੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਚਲਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਆ, ਤਾਂ ਲੋਡ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਆ ਹਲੇ ਵੀ, ਚਲਾਓ ਐਂ ਕਰ ਦੇਈਦਾ ਐਂ। उखी मठ में पिया था उत्तराखंड में, उन्होंने बताया था कि ये ब्रास का जूस है। उसको पीसते हो या कैसे बनाते हैं? फूलों को पहले सुखाते हैं, फिर पाउडर बनाते हैं, कई वैसे चूरन बना के खा लेते हैं, कई ब्रा के फूलों का जूस निकालते हैं, रस निकालते हैं जैसे फूलों से। ठीक है, तब वैसे बनता है। नक्सियत की तेन प्रॉब्लम कक कक ज्यादा आंदी, तू एक गिलास और पी। अच्छा चटनी भी बनती है? ठीक है ठीक है। किवें लग्या जी जूस? बहुत स्वाद है ना जूस ता सारा। मोक्स दे पिंड तुहानू, मोक्स दा पिंड भी दिखाया ते मंदिर भी दिखाया, ते इहनां दा जिहड़ा पुराना 200 साल 250 साल पुराना घर आ उह भी दिखाया, ते वीडियो बनाउंदे बनाउंदे हुण ना फोन दी मैमरी ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਵਲੌਗ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਉ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਉ ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ 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 ਮੋਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ।